तो चलिए शुरू करते हैं। इसके सारे आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप वहां जाके आंसर मिला सकते हैं। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? जब हाइड्रोजन को जलाएंगे तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन, राख, मिट्टी, पानी। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? जो हीमोग्लोबिन होती है उसमें कौन सी धातु होती है? तांबा, लोहा, सोना, चांदी। एस्प्रिन, एस्प्रिन कहाँ से मिलता है? एक पेड़ से, एसिडों के रासायनिक अभिक्रिया से, पृथ्वी से, पेट्रोलियम से। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? गेहूं की खेती में कौन से उर्वरक का उपयोग ज़्यादा करेंगे या करेंगे? नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा, लोहा। अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा होती है पेट्रोल से, कोयला जलाने से, कारखानों से, लकड़ी से। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट किस विटामिन में होता है? विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B1। इसमें से किस में कोबाल्ट होता है? मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़ा, यकृत, वृक्क। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्त दाब का मापक यंत्र स्फेरोमीटर, एनीमोमीटर, स्फिग्मोमीटर, एम मीटर। इसमें से किससे रक्त दाब की माप करते हैं? नेवले रेलवे स्टेशन गरुड़, नेवल रेलवे स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोचीन, देहरादून, चेन्नई। नई दिल्ली, कोचीन, देहरादून, चेन्नई। रडार का आविष्कारक कौन था? रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बुसवॉल, ऑस्टिन। रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बुसवॉल, ऑस्टिन। रडार के आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बुसबॉल, ऑस्टिन। निम्नलिखित में से दूध को दही बनाता है? दूध को दही कौन बनाता है? राइजोबियम, लेक्टोबैसिलस, राइजोपस, खमीर। एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक होती है दवा, पौधे, सिरप, टॉक्सिन। प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरेक्टिन प्राप्त होता है नीम से, तंबाकू से, आम से, पपीते से। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं? भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं बीसी सेन, के रमैया, टीएस वेंकट रमन, एमएस स्वामीनाथन। निम्नलिखित कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? कैंसर पर, टीबी पर, जोड़ों के डिसऑर्डर पे, मस्तिष्क के डिसऑर्डर पे। तो किस बीमारी पर काबू पा लिया गया है? चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था साल्क ने, जेनर ने, लुई पाश्चर ने, ग्लिस्टर ने। आलू है, आलू क्या है? बीज है, तना है, फल है, जड़ है। निम्नलिखित में से कौन
वायु प्रदूषक नहीं है, वायु प्रदूषक नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, डीडीटी। अनुवांशिकता के जनक हैं, अनुवांशिकता के जनक है लैमार्क, खुराना, मेंडले, डार्विन।